हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल छुटमलपुर देसी व्लॉग। आज हम अपने दोस्त के यहाँ पर आए हुए हैं और आज वो मूली की भजिया बना रहे हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज हम घूमने के लिए आए थे तो हमारा दोस्त मिल गया तो बोलने लगा, चलो आज भैया घर पे चलते हैं, आपको घुमा कर लाते हैं। मैंने चलो ठीक है। तो वहाँ पर मूली की भजिया की तैयारी चल रही थी तो मैंने सोचा, मैंने कि एक ब्लॉग इसी का बना लूँ आज। तो देखें, यहाँ पर तैयारी चल रही है, मूली के पत्ते काटे जा रहे हैं और ये कटी हुई मूली है, शायद काट कर रखी हुई है। ये देखिए, हाँ, छोटे छोटे पीसों में काट के रखी हुई है। अभी ये मूली छिल रहे हैं, अब इनको भी शायद, हाँ, इनको भी काटेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छे से काट दिए। आज हम इनके यहाँ पर मूली की भजिया खाने वाले हैं और ये भजिया जो और एक्स्ट्रा सब्जी बनती है घर पे तो उनके साथ खाई जाती है। और इनका मानना है कि ये खाने में और भी टेस्टी लगती है जब दूसरी सब्जी के साथ खाना खाते हैं, तो इसे हम सलाद के तौर पर खाते हैं तो खाने में और भी टेस्टी लगती है। ये पानी डाल रहे हैं धुलने के लिए, हाँ, धुलेंगे शायद, इसको धुलने के लिए डाल रहे हैं। आप भी ज़रूर वीडियो पूरी देखकर घर पर ज़रूर ट्राई करें, एक बार आप भी मूली की भजिया ज़रूर बनाएं। ये धुलकर पत्ते इसमें डाल दिए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको, हमारे ब्लॉग अच्छे लगें तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबाकर, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ये इन्होंने धुल लिए हैं पत्ते, देखिए। अब इसमें डाले मूली जो ऑलरेडी पहले से धुल के रखी हुई थी, अच्छे से वॉश करके इसको कुकर में डाल दिया है। कुकर में शायद इसको उबालेंगे, स्टीम करेंगे इसको। अभी पानी डाल रहे हैं। अब ये ढक दिया है, अब इसको ले जाएंगे उबालने के लिए। हाँ, ये आ गए हैं उबालने के लिए। अभी इसको गैस का ऊपर का जो होता है रखने का, उसको रख रहे हैं। और ये कुकर रख दिया है ऊपर और कुछ डाला, नमक डाला है इसमें, नमक डाल दिया है। एक बार आप भी घर पे ट्राई ज़रूर करना। अब ये ढक्कन बंद करेंगे, वो बंद कर दिया है। गैस को ऑन कर दिया है, चालू कर दिया है। तब तक ये देखिए, ये उबल गई थी। उबलने के बाद सूती कपड़े में लेकर उसको दबाकर उसका पानी निकाल दिया सारा, और इसमें हल्दी डलती है। मिर्ची डलती है, लाल पाउडर मिर्ची वाला, नमक, अब क्या, अच्छा, अभी नमक डाला है।
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ मिक्स कर रहे हैं इसको। मिक्स कर दिया है, इधर तैयारी चल रही है, कुकर रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद उधर उन्होंने अच्छे से मिक्स भी कर दिया, ये मिक्स भी कर दिया है। देखो जो जो इसमें डाला था, मूली की भजिया है ये, इसको इसमें सब कुछ जो डाला था मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जीरा। ये जीरे से छौंकेंगे सारे सब्जी को। हाँ जीरा डाल दिया, जीरा भी डलता है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो जो डलता है आपको मैं दिखा रहा हूँ, टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज है, लहसुन की कली कटी हुई छोटी छोटी बारीक, अदरक खुटा हुआ, ये सामग्री है सब। ध्यान रखना क्या क्या डलता है। जीरा गरम हो चुका है, प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, घुमाते रहेंगे इसको। एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करें, इसी तरीके से बनाएं। ये सब सामग्री डाल दिए, इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। घुमाते रहेंगे इसको, नहीं तो फिर ये जो मसाला है सारा जल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। इस पे ढक्कन लगाएंगे, ये इसमें डाला है इन्होंने धनिया पाउडर, इसको भी मिक्स करेंगे, ये भी डलता है इसमें भाई। ये अच्छे से मिक्स कर दिया। दोस्त के घर पे आए हैं, कुछ तो आज देखने को मिला है। और हमारा ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत जो की जा रही है। इधर मसाला भी तैयार हो गया, शायद भुन गए। पानी नहीं डलता भाई इसमें, ध्यान रखना पानी मत डालना बिल्कुल भी। मसाला पकते ही जो मूली की भजिया है वो डलेगी बस। मसाला भून के हो गया रेडी। मसाला अच्छे से पक गया है, अच्छे से भून गया है, देख लीजिए। अब इसमें डालेंगे जो हमने उबाल के रखी हुई थी मूली की भजिया, ये वही है जिसमें सारा नमक मिर्च हल्दी सब मिक्स करा हुआ था, वो अब इसमें डलेगी। जो मसाला भुना है हमने ये सब कुछ डाल दिया इसमें, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर रहे हैं इसको, अच्छे से मिक्स करते रहना। ये मिक्स हो गई है,
और हमारी मूली की भजिया बनकर हो गई है तैयार। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।